देविका ने मिहिर और उस पहाड़ी लड़के के साथ शिव मंदिर जाने से मना कर दिया। मिहिर ने उसे समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मिहिर ने कहा, ठीक है फिर तुम यहीं रहो, मैं तो जा रहा हूं। इतना कहकर मिहिर आगे बढ़ गया और आगे जाकर बोला, सुबह तक किसी ना किसी जंगली जानवर का डिनर तो तुम बनी जाओगी, चलो अच्छा है, जानवर का भी भला हो जाएगा। ये सुनकर वो पहाड़ी लड़का भी मुस्कुराने लगा। मिहिर की ये बात सुनते ही देविका एकदम चुप हो गई और फिर उसने बहुत ही मायूसी से मिहिर की तरफ देखा और बोली, रुको, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मिहिर ने मुस्कुराकर उससे पूछा, अच्छा तो इसका मतलब कि साथ चलना है? देविका ने दोबारा जल्दी से कहा, हाँ बिल्कुल, यहां पर रुककर किसी जंगली जानवर का खाना बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। उस छोटे पहाड़ी लड़के ने देविका और मिहिर से कहा, ये बहुत ज्यादा घायल है, इनके पैर में चोट लगी है, तो ये पहाड़ कैसे चढ़ पाएंगी? और अगर तुम साथ चलोगी तो फिर हमें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे एक घंटे के सफर में। मिहिर ने उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम इसे ऐसे यहां छोड़ भी तो नहीं सकते। उस लड़के ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, मुझे पहले ही देर हो चुकी है और अभी मैं अगर तुम दोनों के साथ पहाड़ चढ़ूंगा तो और ज्यादा देर हो जाएगी, फिर पंडित जी मुझे डांट लगाएंगे। मिहिर ने उस लड़के से पूछा, इसका मतलब तुम मंदिर तक पहुंचने में हमारी मदद नहीं कर रहे हो? देविका ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम सच में बहुत ही स्वार्थी छोटे लड़के हो जो किसी की मदद करना नहीं जानते। उस लड़के ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आप दोनों को साथ लेकर मंदिर तक चलूंगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंच जाऊं तो आपको पंडित जी से यह बताना होगा कि आपकी वजह से ही मुझे यहां मंदिर वापस पहुंचने में देर हुई। अगर आप ये बोल देंगे तो फिर पंडित जी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मिहिर उस लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम मूर्ख हो या फिर कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहे हो? तुमने कोई ना कोई बहाना तो सोचा ही होगा। उस लड़के ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन अभी मैं सच में तुम्हारी मदद भी कर रहा हूं और तुम्हें तो बस सच बोलना है, तो मुझे कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सारे बहाने मेरे अगली बार काम आ जाएंगे। मिहिर उसकी बात पर राजी होते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पंडित जी से बोल दूंगा कि तुमने हमारी मदद की इसलिए तुम्हें मंदिर वापस लौटने में देर हो गई। अब ठीक है ना? अब बताओ हमें कहां चलना है? उस लड़के ने पश्चिमी पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक, और अब यहां से उस तरफ चलिए, फिर हमें मंदिर तक पहुंचने के लिए पश्चिमी पहाड़ की तरफ चलना है। मिहिर आगे बढ़ने ही वाला है कि तभी उसकी नजर देविका के पैर पर लगी चोट पर पड़ती है, तो वो रुक कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं चल सकते, पहले हमें इनकी चोट का भी कुछ करना होगा। उस छोटे पहाड़ी लड़के ने निराशा से कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? देविका ने भी मिहिर से पूछा, हाँ मिहिर तुम क्या करने वाले हो? उस छोटे लड़के ने परेशान होते हुए कहा, और इन सब में हमें और भी ज्यादा देर हो जाएगी। मिहिर एक साथ उन दोनों की बात का जवाब देते हुए बोला, अरे नहीं नहीं मैं जो करने वाला हूं उसमें बस कुछ मिनट का ही वक्त लगेगा। इतना बोलकर मिहिर ने अपने बैग से फिर से अपना वो बड़ा सा चाकू निकाला और इधर उधर देखने लगा। फिर उसने अपने उस चाकू से एक छोटे पेड़ का तना काट दिया और वो तना एक हाथ जितना मोटा था, लेकिन मिहिर के एक वार में ही वो कटकर अलग हो गया। छोटे पहाड़ी लड़के ने मिहिर की तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह मिहिर भैया, तुम्हारा चाकू तो बहुत ही ज्यादा मजबूत और तेज है। मिहिर और देविका जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तब देविका ने मिहिर का नाम लिया था और उस छोटे लड़के ने सुन लिया था। उस लड़के के इस तरह तारीफ करने पर मिहिर ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कुछ नहीं बोला। असल में उसका ब्लेड तो मजबूत था, लेकिन मिहिर के फाइटिंग और ब्लेड चलाने की स्किल भी इतने अच्छे थे कि उसने एक बार में ही उस पेड़ की टहनी को चाकू की मदद से काट दिया था। उसके बाद मिहिर ने बिना रुके उस पेड़ की टहनी को 20 सेंटीमीटर तक काट दिया था और फिर उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। मिहिर को वो सब करते देख साइड में खड़ी देविका ने पूछा, ये सब क्या कर रहे हो तुम? इस तरह इस पेड़ की टहनी के साथ, और इससे मेरी चोट कैसे सही होगी? तुम कोई दवा बना रहे हो क्या, पहाड़ियों की जड़ी बूटी वाली? देविका के इस सवाल पर मिहिर हल्का सा मुस्कुराया और अपने काम में लगा रहा। उस लड़के ने अजीब नजरों से देविका की तरफ देखकर कहा, ऐसे कौन सी दवा बनती है, तुम सच में मूर्ख हो क्या? देविका ने भी मुंह बनाते हुए उस लड़के से बोला, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं, मैं मिहिर से पूछ रही हूं, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मिहिर उन दोनों को डांट कर चुप कराते हुए बोला, अरे चुप करो तुम दोनों, जरा सा मौका मिलता नहीं है अपनी बहस और लड़ाई शुरू कर देते हो, और तुम इतने सवाल मत करो देविका, मैं कोई दवा नहीं बना रहा,
लेकिन तुम्हारे पैर के लिए ही ये कर रहा हूं। फिर उस लड़के से कहा, ओ छोटू इधर आओ, तुम मेरी मदद करो ताकि इसके घायल पैर के किनारे में ये लकड़ी लगाकर उसे सेव कर पाऊं। उस पहाड़ी लड़के ने मुंह बनाकर देविका की तरफ देखते हुए कहा, वैसे जिस तरह ये बोलती है ना, इनकी तो कोई भी मदद ना करे, लेकिन बड़े भाई सिर्फ आपके कहने पर मैं ये कर रहा हूं। मिहिर और उस छोटे पहाड़ी लड़के ने मिलकर देविका के पैर के किनारे उस लकड़ी के टुकड़े को रखा और फिर मिहिर ने उसे अपने साथ लाई हुई छोटी रस्सियों से बांध दिया। इससे उसका पैर लकड़ियों के बीच में सुरक्षित हो गया। देविका ने मिहिर के कंधे को कसकर पकड़ा हुआ है और उसकी आंखें बंद हैं। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर देविका ने देखा तो मिहिर ने सच में वो लकड़ी का प्लास्टर उसके टूटे हुए पैर पर बहुत अच्छी तरह से बांधा है। देविका ने मिहिर की तारीफ करते हुए कहा, मिहिर तुम तो सच में इस काम में भी बहुत अच्छे हो, और जो लोग तुम्हें नहीं जानते उन्हें तो यही लगेगा कि तुम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि मेडिकल डिपार्टमेंट से हो। ये सब तुमने कब सीखा? देविका के सवाल पर मिहिर ने अपने मन में सोचा, जब उसे अपनी फैमिली में ट्रेनिंग दी गई थी तो उसे ये सब कुछ सिखाया गया था। मिहिर ने इस बात को एकदम नॉर्मल करते हुए कहा, अरे ज्यादा कुछ नहीं, ये सब तो बेसिक फर्स्ट एड स्किल है, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो सब आ जाता है। उस पहाड़ी लड़के ने मिहिर की तारीफ में बोला, अरे नहीं बड़े भाई, सबको तो नहीं आता, आप सच में बहुत कुशल हैं। अपने पैर में वो लकड़ी की टहनी का प्लास्टर बनने के बाद देविका खड़े होने की कोशिश करने लगी तो मिहिर ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको देविका, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम अभी भी अपने दोनों पैरों पर नहीं चल पाओगी। इतना बोलकर मिहिर अपना बैग पैक करने लगा और फिर उठकर खड़े होते हुए उसने एक तरफ से देविका को पकड़ लिया और अपने एक कंधे पर बैग भी टांग लिया। मिहिर ने अभी अभी देविका को उसका नाम लेकर पुकारा और उसकी मदद भी की तो देविका को बहुत अच्छा लगा। देविका बहुत प्यार से मिहिर की ओर ही देखती जा रही है और इस चक्कर में वो मिहिर के साथ आगे नहीं बढ़ी तो मिहिर ने पीछे मुड़कर उसके चेहरे की तरफ देखा। देविका ने भी मिहिर की तरफ देखा, वो भी किसी सोच में डूबा हुआ है। मिहिर की तरफ देखते हुए देविका का चेहरा शर्म से थोड़ा सा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। तभी मिहिर बोला, मुझे लगता नहीं है कि इस तरह सहारा देकर भी तुम पहाड़ों पर ज्यादा दूर तक चल पाओगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ चढ़ूंगा। देविका मिहिर के लिए परेशान होते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, पहाड़ चढ़ना तो पहले ही इतना मुश्किल होता है, और फिर तुम मुझे कैसे उठाकर चढ़ पाओगे? मिहिर ने मुस्कुराकर अपना चेहरा देविका के चेहरे के एकदम सामने लाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा, तुम इतना मत घबराओ। मिहिर की आंखों में देखते हुए देविका बोली, मुझे पता है तुम उस तरह के लड़के नहीं हो, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि पहाड़ की चढ़ाई तो मुश्किल है। देविका को अब तक सच में मिहिर पर पूरी तरह से विश्वास हो गया है और इस बात को लेकर उसके मन में अब कोई भी डाउट नहीं है कि मिहिर एक अच्छा लड़का है। आसमान में अब तक पूरी तरह से अंधेरा छा गया, कोहरा भी और ज्यादा घना होता जा रहा है। तभी उस पहाड़ी लड़के ने उन दोनों के बीच में बोलते हुए कहा, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए इस तरह की बातों में, रात में इस तरह जंगल के बीच से निकलना कोई मजाक वाली बात नहीं है। मिहिर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग उस पहाड़ी लड़के को देते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और तुम प्लीज मेरा यह बैग पकड़ लो तो मैं देविका को लेकर आगे चलूं। छोटे पहाड़ी लड़के ने मिहिर का बैग पकड़ लिया और मिहिर ने देविका को उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। तभी वो लड़का आगे चलने लगा और मिहिर ने देविका को उठाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि उस लड़के को ही रास्ता पता है। मिहिर ने अपने बैग से टॉर्च निकालकर उस लड़के को पकड़ा दिया और टॉर्च की रोशनी में ही वो दोनों आगे बढ़ गए। उस टॉर्च की रोशनी बहुत तेज है, इसलिए रात के अंधेरे और धुंध के बीच भी उन्हें साफ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी चढ़ाई कठिन है। देविका मिहिर की पीठ पर है, लेकिन उसका वजन मिहिर को इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, और मिहिर को ऐसा लग रहा है कि बस उसने अपना बैग ही पीठ पर टांगा हुआ है। मिहिर की पकड़ देविका पर थोड़ी सी ढीली हुई तो मिहिर ने कहा, अरे अरे मेरे गले को कसकर पकड़े रहो, क्योंकि मुझे तुम्हें पकड़ने में परेशानी हो रही है पीछे हाथ करके। मिहिर के इतना बोलते ही देविका ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ से चिपक गई। वो नहीं चाहती है कि वो यहां ऊंचाई से गिर जाए। मिहिर की बात पर देविका ने उसकी गर्दन को पकड़ते हुए कहा, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कसकर पकड़ लिया है, अब तो हाथ छोड़ सकते हो। थोड़ी दूर तक आगे चलने के बाद मिहिर को अपनी गर्दन पर देविका के हाथों की पकड़ ढीली होती महसूस हुई तो उसने कहा, देविका क्या कर रही हो, ठीक से पकड़ कर रखो,
अगर यहां से गिर गई तो तुम्हें और चोट लग जाएगी, समझी? मिहिर ने इतना कहा लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला, तो उसने खुद ही देविका को कसकर पकड़ लिया। तब मिहिर को समझ में आया कि वो उसकी पीठ पर लदे हुए ही सो गई है। यह बात समझ में आते ही मिहिर ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। देविका को सोता देखकर उस लड़के ने हैरानी से कहा, अरे ये तो सो गई, ऐसे हालात में कोई सो कैसे सकता है? ये सच में बहुत अजीब है। यह सुनकर मिहिर को भी थोड़ा अजीब लगता है। क्या सच में देविका सो गई है या बात कुछ और है? मिहिर उस पुराने मंदिर में क्यों जाना चाहता है? ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।